दोस्तों, मेरे एक हाथ में एक सिंक्रोनस मोटर और एक हाथ में एक छोटा सा पिद्दू सा डीसी मोटर। ये है कमाल का। सिंक्रोनस मोटर को ऐसे ही घुमाएंगे तो ये थोड़ा लाइट जनरेट करेगा, मतलब इसका एम्पियर तो बहुत ही लो है पर लाइट जल जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप खोल ले तो इसके अंदर एक कॉयल मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस आप मापोगे तो 10 किलो के आसपास आएगा। तो इसके अंदर बाहर आप एक मैग्नेट को करोगे तो ये लाइट भी ग्लो कर सकता है। दोस्तों, काफी बार आप लोग मुझे बोलते हो कि मेरा चैनल अंडररेटेड है, तब ये डीसी मोटर को देखिए, ये भी मेरे चैनल की तरह ही अंडररेटेड है। इन दोनों मोटर को इस तरीके से सेटअप करने के बाद अगर राइट साइड का मोटर उसको मैं 3.7 वोल्टेज बैटरी के साथ चलाओ, देखिए ये लेफ्ट साइड का जो मोटर है वो 10 वोल्टेज तक जनरेट कर रहा है मेरा। अब 9 वोल्टेज का ये लाइट को ही देख लीजिए, ये तो नहीं चलेगा इस बैटरी से। लेकिन मैं अगर इस सेटअप के साथ इसको कनेक्ट करूँ तो दूसरे वाले मोटर का जो पावर जनरेट होगा वो इसको चला सकता है। लाइट का ब्राइटनेस भी सिंक्रोनस मोटर से ज्यादा है, तो ये है एक कमाल का चीज।